हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेग मिश्रा टेक मीडिया सेमेस्टर। हम लोग जिस शेयर के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं, जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं और बहुत टाइम बाद हम लोगों को देखने को मिला है इस शेयर में, इस कंपनी में, कि रिजल्ट जो है प्लस में देखने को मिले हैं। तो समझते हैं, क्योंकि 31 रुपीज के अराउंड शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत लंबे टाइम से हम इस कंपनी को मॉनिटर करते आ रहे हैं, बहुत सारा अप डाउन देखा है इसमें, अच्छा रिटर्न भी बना है। तो समझते हैं इसकी कंडीशन को, कहां पे खरीदने के लिए जाना चाहिए, क्या टारगेट लेके चल सकते हैं, कंपैरिजन भी करेंगे पिछले क्वार्टर और लास्ट ईयर से कि क्या ग्रोथ है। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा ताकि और लोगों को इस शेयर के बारे में पता चल सके। जेएसडब्ल्यू इस्पात जो है दोस्तों, वो हम लोगों को देखने को मिलेगा 31 रुपीज 10 पैसे के अराउंड। स्टील से पूरा इसका बिजनेस बिलोंग करता है एक तरीके से, और हम लोग अगर इसको देखें तो वन ईयर में जो परफॉर्मेंस रही है वो काफी ज्यादा गिरावट की देखने को मिली है, पर बाकी चीजों पर ध्यान दे तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ये कंपनी। अगर इसकी और चीजों पर बात करें कंडीशन पे, तो 1462 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। 12 महीने की कंडीशन में जबरदस्त भारी गिरावट इसके प्रॉफिट में देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है लगातार हम लोगों को कम होता हुआ दिखाई पड़ा था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो बीच में पूरा वो हो गया था, डिमांड का इतना ज़्यादा मतलब जरूरत पड़ गई थी और सप्लाई थी नहीं, तो उस वजह से 2021 में और FI 2022 में हम लोगों को देखने को मिला कि इसमें जो इतनी भारी मरकम डिमांड की वजह से इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो अब अगर इनको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो रहा है, तब भी हम 12 महीने के अगर कंडीशन विजिट करते हैं तो हमको नंबर इसके खराब दिखते हैं, क्योंकि पहले ही इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिका इस वजह से, तो ये जस्टिफाई करता है, इसी वजह से प्रॉफिट में कमी देखने को मिलती है। इसका कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 53.2% दिखता है। इस बार के जो रिजल्ट आए हैं वो क्वार्टर थ्री से हम लोग को 101% बेटर देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू इसकी 10 है, बुक वैल्यू लगभग 10 रुपये के अराउंड है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 710 रुपये तक ये शेयर ट्रेड करता था किसी टाइम पे, इस टाइम पे जाहिर सी बात है डाउन हुआ है। अब इसकी कंडीशन में बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा आइडिया भी दे देता हूं कि क्या मैं कह रहा था। ये देखिए, ये सब पूरा जो है एक तरीके से हम लोग इसको काउंट करें तो यहां से यहां तक हो गया ये FI 21, यहां से यहां तक हो गया ये FI 22, और यहां से यहां तक हो गया FI 23। ठीक है, तो ये 21, ये 22, ये 23। अब ये क्या चीज है दोस्तों, मतलब ये हमको बताता है ये कोविड का फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर था, और ये उसके बाद की कंडीशन पूरे अब एक साल कह सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिस करिए आप सितंबर के बाद से, क्योंकि स्टार्टिंग के लॉकडाउन में तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे प्रॉफिट बने, पर उसके बाद आप लोग देखेंगे तो इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी कि इन कंपनियों को बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ये देखिए इस वजह से, और फिर उसके बाद सेकेंड फेज में भी देखेंगे आप तो यहाँ पर भी बेटर प्रॉफिट था, पर इधर पे देखेंगे अभी क्योंकि चीजें वापस से नॉर्मल पेस पे आती हुई, तो उस वजह से आपको नंबर लगातार बड़े बड़े नंबर जो है नेगेटिव में देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से इस बार जो प्रॉफिट हुआ है उसको, इस कंपनी को बहुत कम हुआ है, कम से कम पर नंबर प्लस में रहते हैं, ये मैटर करता है। तो ये चीज देखने को मिलती है, नंबर में लास्ट ईयर से गिरावट है। लास्ट ईयर 3.29 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 0.59 करोड़ का है, तो एक तरीके से 58 लाख समथिंग का प्रॉफिट इसको है, जो कि बहुत कम काउंट किया जाएगा। पिछले क्वार्टर से देखें तो वहां पे तो 96 करोड़ का लॉस था, तो उस हिसाब से तो बेटर है कि कम से कम नंबर प्लस में है। अब ईयरली वाइज देखें तो कंपनी पहले ही कुछ ऐसा खास कर नहीं रही थी। आप देखिए 2015 से लेके 2020 के मतलब FI तक देखने को मिलेगा, नंबर इसके लगातार नेगेटिव में आ रहे थे। फिर कोविड के फर्स्ट ईयर में देखिए 210 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर सेकंड ईयर में सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट आया, और इस बार वापस से इसके नंबर खराब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस, क्योंकि इसको इतने ज़्यादा इसमें लोग निवेश करके रखे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सलाह दूंगा कि थोड़ा इन शेयरों से अभी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कंडीशन इनकी अब उतनी अच्छी रहती नहीं है जितनी पहले देखने को मिलती थी। जैसे देखिए जून का जब कोविड का लॉकडाउन टाइम पे स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे देखिए 75% के अराउंड प्रमोटर्स की होल्डिंग थी,
अपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे वो भी अच्छे रूप में निवेश कर रखे थे, पर धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि पब्लिक की होल्डिंग जो है इसमें इंक्रीज होती चली गई और उसी वजह से नंबर में इसके काफ़ी कमी देखने को मिलती है। इस बार क्वार्टर के रिजल्ट प्लस में आए हैं तो यहाँ से थोड़ा उम्मीद जागता है कि चलिए चीज़ें थोड़ी बेटर हो रही हैं कंपनी के लिए, और यहाँ से अगर चीज़ें बेटर हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये कंपनी जो है धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी ख़त्म होते हुए। फिलहाल प्रॉफिट किसी किसी क्वार्टर में हो जा रहा है तो वो अच्छी बात है, बट स्टिल आप देखेंगे तो एक तरीके से बस इसको, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनियों के पार्ट में बिलोंग करता है, JSW ग्रुप में आता है, तो इसी वजह से एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि इसको कंपनी खींच रही है किसी तरीके से, क्योंकि उतनी ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। कंडीशन में भी बहुत कमी आई है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉन्स यहाँ पे मेंशन है, तो इस वजह से थोड़ा इसमें सावधानी से निवेश की ज़रूरत है। बाकी अगर मैं चार्ट और बाकी चीज़ों पे आपको अपडेट करूँ तो लास्ट टाइम जब हम लोग इसको डिस्कस करते थे तो 23-25 रुपए के अराउंड जब था तब तो रिटर्न बना, उसके बाद अब देखिए जब मैंने आपको नए कॉल दिए थे तो वहाँ पे 30-60 रुपए का सपोर्ट बताया था और ख़रीदने के लिए कहा था 31.50 रुपए से बिलो आप इसको खरीद सकते हैं, और इसमें टारगेट 35-38 रुपए के लेके चल सकते हैं। अब शेयर ज़्यादा रिस्की दिखता है क्योंकि रिजल्ट वैसे प्लस में आए हैं, थोड़ा इसमें वो चीज़ भी कह सकते हैं, पर अभी हमको लगातार इसके नेक्स्ट क्वार्टर भी रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव में चाहिए, तभी कुछ इसमें उम्मीद जाग सकती है निवेश को लेके। बाकी अभी नए कॉल्स जो हैं मैं उस पर अपडेट कर दूं तो 29.60 रुपए पे सपोर्ट दिखता है, उसके अराउंड आप स्टॉप लॉस लगा के अभी भी 31.50 रुपए से बिलो इसको अगर आप 29.80 रुपए तक खरीदते हैं तब भी सही जोन में है, तो इस प्रकार से इसमें खरीदारी के लिए जा सकते हैं। बाकी अगर इसमें अब टारगेट और बाकी चीज़ों पे बात करें तो वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को ख़राब देखने को मिलेगा, तो ये कुछ लेबल है मैं इनको हटा दूं, अगले टारगेट 35-38 के देखने को मिलते हैं, तो इसी प्रकार से अपडेट हो जाएगा। रिस्की शेयर है, समझदारी से इसमें निवेश की ज़रूरत है। और भी देखिए बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, जैसे हम लोग जिनको मॉनिटर करते हैं जैसे SBI बैंक का भी रिजल्ट आ चुका है, ये देखिए काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट में जंप हुआ है 89% का ईयर वाइज पे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और याद करिए जब कोविड के टाइम पे 200 से भी बिलो चला गया था SBI, और अभी देखिए 500 से भी ऊपर है, 574 रुपीज़ के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस वजह से चीज़ें बेटर हुई है और इसी प्रकार से अपडेट हो जाएगा इन शेयरों पे। थैंक्स वॉचिंग, वीडियो मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।